एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सी रेसिपी, जो कि है स्प्राउट सैंडविच की रेसिपी। और ये बना रहे हैं हम बच्चों के लिए। अब आप सोचेंगे उसमें बच्चे और स्प्राउट सैलड बिल्कुल पसंद नहीं करते। जी हाँ, मैं इसीलिए बच्चों के लिए ये स्पेशल रेसिपी लेकर आ रही हूँ, क्योंकि बच्चे स्प्राउट खाना पसंद नहीं करते और ये बहुत हेल्दी होता है, बच्चों को देना होता है बहुत ज़रूरी। तो यहाँ पर जो इन्ग्रीडियंट्स मैंने लिए हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए, उसमें सबसे पहले मैंने लिए हैं ब्रेड स्लाइस, 4 ब्रेड स्लाइस लिए हैं, 2 चम्मच मेयोनीज की ली है, और यहीं पर लिया है स्प्राउट सैलेड, जो कि मैंने आपको पहले भी बनाना बताया हुआ है। अगर आपको नहीं बताया तो लिंक शेयर कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, वहाँ से आप देख करके बना लीजिएगा। हनी मस्टर्ड सॉस लिया है, और साथ ही बच्चों की फेवरेट केचप को तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं इस रेसिपी को। एक मिक्सिंग बाउल लेना है, और इसमें डाल देना है सारा स्प्राउट सैलेड, और अब हमने इसमें डालना है मेयोनीज़। अब अगर आप अपने लिए चाहते हैं इस तरह का कोई भी रेसिपी, और आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप इस सैलेड में या इस सैंडविच में जो इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपने मेयो स्किप कर देनी है, क्योंकि इसमें होता है ढेर सारा ऑयल, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और साथ ही अब हम दोबारा से अपनी रेसिपी पे आ जाते हैं, बच्चों वाली पे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के हनी मस्टर्ड सॉस। ये बहुत ही इसका टेस्ट बढ़ा देता है, बहुत ही इन्हेंस कर देता है, तो ये आप ज़रूर डालिएगा। मिक्स कर देते हैं, और अब हम इसमें मिक्स करने के बाद इसका टेस्ट को हम चेक करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। इसमें जिस चीज़ की भी कमी लगेगी, अभी हम इसको डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लें, और उसके बाद हम इसका टेस्ट चेक करके अगला स्टेप ले लेते हैं। तो अब मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि अगर आप अपने लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर लें, या फिर बेस्ट ऑप्शन है मल्टीग्रेन ब्रेड का। तो यहाँ पे मैं वाइट ब्रेड से ही यूज़ कर रही हूँ। अब हमने केचप अप्लाई कर देना है, अच्छी तरह से आपने अप्लाई करना है, बच्चों को कम या ज़्यादा जैसा पसंद हो आप उस हिसाब से डाल लें। तो मैं दोनों तरफ से स्लाइस के जो है ना, दोनों स्लाइस पर लगा रही हूँ, दोनों तरफ से नहीं, दोनों स्लाइस पे मैं लगाने वाली हूँ। तो क्योंकि बच्चों को पसंद आता है, इसलिए मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे हमने दोनों स्लाइस पर लगा लेना है, और उसके बाद हमने अप्लाई कर देना है ये मिक्सचर। अब ये जितना मिक्सचर मैंने बनाया है, इससे आप 6 सैंडविच आराम से बना सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से अप्लाई कर लें। मैंने 1 स्पून भर के अच्छे से लगाया था, पूरा बड़ा स्पून समझे के भर के लगा लिया था, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी लगती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ आपको, आपके बच्चों को ये ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपने अपने लिए बनाना है और आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं, तो आपने इसमें मेयोनीज नहीं डालनी है। साथ ही आप इसमें वाइट ब्रेड की जगह या तो ब्राउन ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हेल्दी भी बन जाएगा, बहुत ही अच्छा ये टेस्ट होता है। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें केचप यूज़ करते हैं या नहीं, या फिर आपने जो हनी मस्टर्ड सॉस है वो यूज़ करना है कि नहीं। तो लीजिए, बात करते करते ये मज़ेदार सा सैंडविच भी तैयार हो चुके हैं, चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया है, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।